में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट वी शैल ओवरकम, जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ओके, जिसमें कि हम लोगों ने 3 स्टेंजा स्टडी किए थे, ओके. फर्स्ट स्टेंजा ऑफ किस चीज़ का था? कि एक दिन वो दिन भी आएगा जब हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, ओके. देन सेकेंड स्टेंजा किस चीज़ का था? कि एक वो दिन भी होगा, एक वो दिन भी है, होगा या फिर है, मतलब वो दिन भी आएगा जब सारे अपनी जो सोच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म करके एक साथ चलेंगे, ओके. एंड इन थर्ड स्टेंजा हम लोगों ने क्या स्टडी किया? कि आज हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, आज हम बिना किसी फियर के हैं, ओके. ये हमने अपने थर्ड स्टेंजा में स्टडी किया था. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हो गए थे. नाउ इट्स फोर्थ स्टेंजा, ओके. फोर्थ स्टेंजा में क्या है, स्पीकअप करके देखते हैं, ओके. The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. So, इस स्टेंजा में क्या बताया हमें? कि एक वो दिन भी आएगा जब हम किसी पर टोटली ट्रस्ट करेंगे. ट्रस्ट का मीन क्या होता है बेटा? फैक्ट, ओके. हम हर फैक्ट जानेंगे, ओके. क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या हमें किसी की बात पर विश्वास करना चाहिए या किसी की बात पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. एक वो दिन भी आएगा जब हम जो भी लोग हैं, हम सब लोगों को ये पता चलेगा कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रुथ क्या होता है, ओके. और हम लोग एक दूसरे के लिए ट्रुथ वर्ड्स या एक दूसरे के लिए जो करेक्ट वे होता है वो हम लोग यूज करेंगे, ओके. सो द पोइट सेज दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल पीपल वुड नो. एक वो दिन आएगा जब सब लोगों को पता होगा व्हाट इज ट्रुथ, कि सत्य क्या है. एंड और दिस ट्रुथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूशंस. और ये जो ट्रुथ है ये हमें सारे के सारे इल्यूशंस से फ्री करेगा, ओके. आया समझ में कि इसमें इस स्टेंजा में किस चीज की बात की हुई है? इस स्टेंजा में हमारे पास ट्रुथ, सत्य की बात की हुई है, ओके. फ्री मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. अस मतलब वी ऑल पर्संस, ओके. नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ स्टेंजा, ओके. नेक्स्ट कौन सा स्टेंजा आता है हमारे पास? फिफ्थ. स्पीकअप करते हैं. वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. So, इस fifth stanza में हमें क्या बताया हुआ है? In this fifth stanza, हमारे पास बात की हुई है peace. Peace क्या होता है बेटा? शांति. Okay, peace का means क्या होता है? शांति. कि एक वो दिन भी आएगा जब हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो सोसाइटी है, हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे पीस में रहेंगे, शांति से रहेंगे, हमारे पास शांत का वातावरण होगा, ओके. ना कि ये जो भी काम होते हैं जैसे इल्लीगल वर्क्स होते हैं वो वर्क्स नहीं होंगे, जैसे कि थीव्स नहीं होंगे, चोर नहीं होंगे तो चोरी नहीं होगी, ओके. लोगों के लिए क्या डर होता है? कि हम सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, ओके, वो रूल्स फॉलो करेंगे जिसमें किसी की हम डेथ ना करें, ओके. अगर किसी की डेथ हो, मतलब मर्डर ना करें, ओके. अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उनकी हेल्प करें कि प्लीज़ आप ऐसा ना करो, और जो पर्सन सफ़र कर रहा है उस पर्सन की हम हेल्प करें, ओके. वो किसी भी वे में हम हेल्प कर सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को, जो अपने नेबर्स होते हैं उनको बताकर, या पुलिस स्टेशन में
पुलिसमैन को कंप्लेन करके। ओके, सो एक वो दिन आएगा जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, चोरी, डकैती, किसी का मर्डर करना या फिर किसी को अब्यूजिंग वर्ड यूज करना किसी के लिए, ओके, किसी को सोशली फोर्स करना, ओके, और मतलब खुद पर डिपेंड होंगे सब लोग, ओके, खुद पर डिपेंड होंगे मतलब हमारे हर्ट में, हमारे, हमें इतना बिलीव है, हमारे मतलब इन द डीप हर्ट हमें ये पता है कि हमें कभी इन कभी ऐसा डे आएगा, कभी ऐसा दिन आएगा जब हमें इन सब चीज़ों से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो फिफ्थ स्टेंजा में हमने पीस की बात की है। पीस मीन्स क्वेरल फ्री स्टेट, क्वेरल फ्री स्टेट, क्वेरल मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होता है, क्वेरल झगड़ा, ओके, झगड़े से मुक्त स्टेट या जिस प्लेस में हम रहते हैं वो झगड़े से मुक्त होना चाहिए। शैल लिव, शैल लिव मीन्स रिमेन, रिमेन मतलब रहना, ओके, वी शैल लिव, शैल लिव मतलब रहना, हम एक एकदम से फ्री क्वेरल स्टेट में रहेंगे। ओके, सो व्हाट डज द पोएट से, द पोएट सेज दैट ही हैज फर्म बिलीव दैट ऑल अ डे, दैट अ डे विल कम व्हेन All confidence among the people of the world will end and all people of the world will enjoy the peaceful state. Poet कहता है कि हमें, मुझे इतना विश्वास है, हमें इतना भरोसा है, विश्वास है कि एक वो दिन आएगा जब लोग एक दूसरे से झगड़ा करना बंद कर देंगे और हम एक quarrel free या फिर एक peaceful state में हम live करेंगे, एक peaceful state में हम रहेंगे। ओके, सो एक बार रिपीट करते हैं कि हमने यहाँ क्या स्टडी किया है। ओके, फर्स्ट स्टेंजा में हमने अपनी सक्सेस के लिए स्टडी किया है, ओके, कि मैं एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। ओके, देन इन सेकंड स्टेंजा हम लोगों ने एक साथ रहने की, यूनिटी की बात की है, ओके, कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, विद लव रहेंगे। ओके, देन थर्ड स्टेंजा में हमने फियरलेस रहने की बात की है, ओके, कि हमें कोई भी टेंशन ना हो, हम, हमें कोई भी किसी भी चीज का डर ना हो, हम एकदम से फ्री रहें, ओके, बिना किसी के डर से। ओके, देन फोर्थ स्टेंजा में हम लोगों ने ट्रुथ, सत्य की बात की है कि एक वो दिन होगा जब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आज हम किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओके, लेकिन एक वो दिन होगा जब लोग एक दूसरे के भले की ही सोचेंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, ओके, और एक दूसरे से ट्रुथ स्पीक अप करेंगे। ओके, देन फिफ्थ स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा में हमने किस चीज की बात की है, फिफ्थ स्टेंजा में हमने ये देखा है कि हमारा जो फ्यूचर होगा, इन फ्यूचर हम एक ऐसे पीसफुल स्टेट को बनाना चाहते हैं जिसमें शांति हो और कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन एक दूसरे से झगड़ा ना करे। ओके, ये हम लोगों ने अपने फिफ्थ स्टेंजा में स्टडी किया है। ओके, सो आपको अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट वी शैल ओवरकम, ओके, ये जो चैप्टर है, इनके जो भी स्टेंजास हैं या फिर जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने आपको बताया है या फिर जो आपने कुछ भी समझा है, ओके, उसमें अगर आपको कहीं कोई डाउट हो या फिर इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि वन वर्ड क्वेश्चंस हैं या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं, ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क इज आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको ये फर्स्ट टू फिफ्थ स्टेंजा आपको लर्न कर रीड करने हैं, समझने हैं।